दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार को देर रात भूकंप के तेज झटके लगे। दो बार में तेज झटके लगने से कई कॉलोनियों और मोहल्लों में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके देर रात 1:58 पर महसूस किए गए। कुछ रुक रुक कर दो बार झटके लगने से नींद में सोए लोग भी जाग गए और घरों से बाहर निकल आए। वहीं भूकंप का केंद्र रहे नेपाल में 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ पूरी तरह घबराए लोगों में से कुछ ने अपने घरों और दीवारों को चेक करना शुरू कर दिया है। कुछ देर में भूकंप की सूचना एक दूसरे को बताने और इसे कंफर्म करने के लिए लोगों के फोन घनघनाते रहे। जानकारों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.3 से अधिक थी। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास के जिलों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। आपको बता दें कि उत्तर भारत में महज 5 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं।